Welcome everyone to the channel of Transition Career Solution. We are going to do today the Avogadro's Law. Avogadro's Law क्या है? What is Avogadro's Law? इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा. Avogadro's Law हमारा है क्या? What is actually Avogadro's Law? Avogadro's Law का कहना है under सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर लिखते जाइए साथ में. टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस लिखते जाइएगा साथ में कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्या है ये एवोगैड्रोस लॉ? हमें क्या बोल रहा है एवोगैड्रोस लॉ? बोल रहा है अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. मैं यहां पर इक्वल वॉल्यूम लेने का कोशिश कर रहा हूं. अगर मुझसे ड्राइंग अच्छी बन गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इट विल बी अ टफ. नहीं सेम है, वाह छोटा हो गया ना थोड़ा, कोई बात नहीं, आप इसे इक्वल समझ लीजिएगा. चलो मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, यहाँ नाइट्रोजन गैस है, यहाँ मान लो अमोनिया गैस है, किसी भी तीन को ले लो. यहां पर मैं टेम्परेचर 273 केल्विन लेता हूं, आप किसी भी टेम्परेचर को ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 273 केल्विन, 273 केल्विन. प्रेशर मान लो, मैं समझने के लिए कोई भी एक इक्वल प्रेशर ले लेता हूं सभी में, वन एटमोस्फेयर, वन एटमोस्फेयर, वन एटमोस्फेयर. ठीक है, क्या बोल रहा है एवोगैड्रोस लॉ? एवोगैड्रोस लॉ का कहना है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम होना चाहिए. चलो सेम है, अच्छी बात है सभी में. इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, ओके वॉल्यूम भी इक्वल होना चाहिए. कितना वॉल्यूम ले रहे हैं? मान लो ये आपका वॉल्यूम है 5 लीटर, मान लेते हैं ये भी 5 लीटर है, ये भी 5, मान लेते हैं पूरा इक्वल है. देखने में एक अनइक्वल लग रहा है बीच वाला, मगर इक्वल मान लेते हैं. अब क्या बोल रहा है डेफिनेशन? अब डेफिनेशन बोल रहा है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अगर मान लो कि यहां पर ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, मैं एक एटम को एक ग्रीन सर्कल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं. मान लो यहां पर 2 नहीं 3 मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का, टेम्परेचर 273 केल्विन है, प्रेशर 1 एटमोस्फेयर है, वॉल्यूम भी है, इसका भी सेम है, तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा? 3 ही मॉलिक्यूल्स होगा. क्या होगा? 3 ही मॉलिक्यूल्स होगा. ये भी 2 एटम मिलके बना है, तो यहां भी कितना मॉलिक्यूल्स होगा बाय डिफॉल्ट? इट विल बी 3 मॉलिक्यूल्स. ये मैं बस अमोनिया के लिए दिखा दे रहा हूं, बीच का एन है, साइड में 3 हाइड्रोजन है. चलो कलर सेम ही यूज रखता हूं जिस तरह से कर रहा हूं. तो ये हमें एवोगैड्रोस लॉ है. एवोगैड्रोस लॉ क्या बोल रहे हैं? अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. अगर टेम्परेचर और प्रेशर इक्वल है और आपको अगर एक का मॉलिक्यूल्स मालूम है कि इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स है, तो इसका मतलब ये है बाय डिफॉल्ट कि इसके अंदर भी 3 मॉलिक्यूल्स होगा और इसके अंदर भी 3 मॉलिक्यूल्स होगा. ये एवोगैड्रोस बोल के गया है. अगर आपका कोई भी क्वेरीज होगा तो आप मुझे बिल्कुल अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप कर सकते हैं. दिस इज माई नंबर 9903461361. सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द एवोगैड्रोस. मैं एकदम सिंपल एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसी से आपको ये एवोगैड्रोस का पूरा फंडामेंटल समझ में आ जाएगा. क्या बोल रहा है एवोगैड्रोस? पहले आप इसे समझने की कोशिश कीजिए. बोल रहा है 3 जार है, अच्छी बात है, मैं भी यहाँ पर 3 जार बना लेता हूं. ठीक है, और वो ये यूज कर लू क्या? चलो कर लेता हूँ. पहला एक अच्छा से बना देता हूँ, 3 जार है. दूसरा मैं रफ हैंड से ही बनाता हूँ, काफी टाइम लग जाएगा.
थर्ड भी एक रफ हैंड से ड्रॉ कर लेता हूं आपको समझाने के लिए, एग्जाम में किस तरह लिखना है वो मैं बताऊंगा। टेम्परेचर आपका क्या बोल रहा है? बोल रहा है सेम टेम्परेचर, अगर इसका टेम्परेचर टी है तो इसका भी टेम्परेचर टी है, इसका भी टेम्परेचर टी है, ठीक है, इक्वल है। अगर प्रेशर ये पी है तो इसका भी प्रेशर पी है, इसका भी प्रेशर पी है। अब बोल रहा है फर्स्ट जार कितने का है? 2 लीटर का है। सेकेंड जार कितने का है? 5 लीटर का है। थर्ड जार कितना है? 7 लीटर का है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट जार में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, अच्छी बात है। सेकेंड जार में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, थर्ड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। कभी भी ऑक्सीजन सिर्फ अकेला लिखा है तो मतलब ये O2 के बारे में बात हो रही है, ये स्टेबल O2 जनरेट करता है। कभी भी किसी जगह हाइड्रोजन लिखा है तो मतलब H2 के बारे में बात हो रहा है, अगर वो अकेला है तो। द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अ मॉलिक्यूल इन फर्स्ट जार इज फाउंड टू बी, कितना फाउंड हुआ है? 2.4 × 10^22 मॉलिक्यूल्स। तो अब पूछ रहे हैं कि सेकेंड जार में कितना होगा और थर्ड जार में कितना होगा। मान लो कि ये 5 लीटर नहीं हो के अगर ये 2 लीटर होता तो एवोगैड्रो फॉलो करता, सेम टेम्परेचर है, सेम प्रेशर है, ये 2 लीटर है, ये 2 लीटर है, तो ये 2 लीटर में इसका भी मॉलिक्यूल कितना होता? सेम होता। अब आपको आंसर समझ में आ रहे होंगे क्या है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ? 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन। आप बोलेगा नहीं सर कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, सर दोनों का टेम्परेचर प्रेशर इक्वल है, वॉल्यूम भी अगर इक्वल ले रहे हैं तो 2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स 2.4 × 10^22 मॉलिक्यूल्स। तो आपका 5 लीटर में क्या होगा? जस्ट मुझे क्या करना है, यूनिटरी मेथड का अपना स्केल यूज करना है। आप बोलोगे सर यूनिटरी मेथड भूल गए, तो थोड़ा 6-7 में जाके ये मैथमेटिक्स देख लेना, by 2 आप इसे कैलकुलेट कर लेना, मैं भी कर दूंगा अभी। अब मैं सेकेंड वन में आ रहा हूं, ये हमारा हाइड्रोजन फाइंड हुआ है 9। अब किसका बारी है फाइंड होने का? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में भी मैं इसी तरह लिख सकता हूँ, 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2.4 × 10^22 मॉलिक्यूल्स। तो आपका कितने में है? 7 लीटर ऑफ ऑक्सीजन कंटेन क्या होगा? 7 × 2.4 × 10^22 by 2। इसे आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है, अगर इसे कैलकुलेट करोगे ये 10 नीचे आ गया, ये 2 से 12 गया, ये एक कैंसिल हो गया, 12 × 5 कितना है? 60 × 10^21 मॉलिक्यूल्स। बहुत बुक में आंसर देखिएगा 6 × 10^22 लिखा रहता है, अरे 1 0 यहाँ आ गया। हमें क्या, हमें तो एमसीक्यू आएगा तब तो मैच करना होगा। इसे भी ऐसे करके नीचे में 10 ले लो, ये 12 से गया, 12 × 7 कितना होता है? 84 होता है, चलो 84 × 10^22 मॉलिक्यूल्स। सो दीज आर द आंसर, ठीक है। ये हमारा एवोगैड्रोस लॉ है। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में दीजिए, या आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर पे फॉर एनी क्वेरीज। क्वेरीज पूछने के लिए कोई भी आपकी फीस नहीं है, कुछ नहीं है। ऑनलाइन एडमिशन लेने के लिए देर इज अ सम रिन्यूमरेशन, मगर डाउट्स आप हमेशा पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर द चैनल, सब्सक्राइब ऑल्सो, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जो देख रहे हैं मैं यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ, दिस विल नॉट बी 22, इट विल बी 21। मैंने ये नीचे का 10 नहीं देखा था, नो इट्स क्लियर। ऐसे भी अगर छोड़ भी देता तब भी आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, इज इट ओके। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग।